सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और यूनानी औषधि के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। किन किन रोगों में काम करता है, क्या इसका कंपोजिशन है और इसको खोल करके दिखाएंगे कैसा दिखता है, ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इसका नाम है जवारिश कमुनी और ये हमदर्द कंपनी की तरफ से आता है। और भी कई सारी कंपनियाँ इसको बनाती है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। और बात करें इसके पैकिंग डिटेल्स की, तो ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं, यह 150 ग्राम की पैकिंग में आता है। इससे बड़े पैकिंग भी उपलब्ध होते हैं 1 किलो तक के। और इसका अभी का रेट 75 रुपये है, जो समय के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। बात करें इसके कंपोजिशन की, किन किन औषधियों के मिश्रण से इसको बनाया जाता है, तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जो औषधियाँ हैं वो है जीरा शिया, मुदब्बर, बरगे सद्दाब, जंजबिल, फिलफिल शिया, बूरा अर्मनी, प्रजेटिव, इन सब औषधियों के मिश्रण से इसको बनाया जाता है। बात करें इसके डिटेल्स की, किन किन रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल पेट संबंधित रोगों में किया जाता है और ये सभी प्रकार के पेट समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। जिन लोगों को पेट में गैस बनती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता या फिर भारीपन रहता है या गैस ज़्यादा बनती है, कब्ज रहता है, इस तरह की जितनी भी समस्या होती है पेट से संबंधित, वह सभी इससे दूर हो जाती है। इसका बहुत ही आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप लगातार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता। आप खाना खाने के बाद इसकी 1 चम्मच लगभग 5 से 7 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। और इसको खाना खाने से पहले भी लिया जाता है, ये रोग के अनुसार अलग अलग हो सकता है या आप अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की किसी भी आयुर्वेदिक औषधि, यूनानी औषधि, देसी जड़ी बूटियों को घर बैठे मंगवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। तो इसको खोल करके दिखाते हैं इसमें ये माजून निकलता कैसे है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का, ये च्यवनप्राश टाइप का ये होता है और जवारिश जो होता है ये आप देख सकते हैं, ये जैसे च्यवनप्राश निकलता है इसी तरह से ये भी होता है। ये देखिए, थोड़ा च्यवनप्राश जैसे ही कलर भी होता है इसका और स्वाद भी इसका लगभग ऐसा ही होता है, बस इसमें खटास थोड़ा। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।